चाचा मैं ब्रिजित कदम शुक्ला चैनल पे। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल ढोकला। तो आ गई हूँ किचन में और शुरू करूँगी, तो पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बड़े बच्चे सब बहुत शौक से खाते हैं और ये डिश ऐसी है कि जिसमें बच्चों के लिए या बड़ों के लिए पूरा पौष्टिक चीज़ें रहेंगी, जैसे एक सब्जी भी है, दाल भी है और रोटी का भी है। तो क्या क्या इसमें पड़ेगा पूरा जानकारी दूंगी। तो क्या क्या तैयारियां मैंने करके रख ली है वो चीज़ आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू मेरा उबल चुका है और इसे मैं फटाफट छील ले रही हूँ। तो बहुत गर्म होने के कारण फोक में फंसा के छीलने से बहुत जल्दी छिल जाता है। तो इधर आलू भी मैश करके रख दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैं दाल लगा के रखी हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक इसमें डाली हूँ। पानी थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है दाल में, क्योंकि जब हम दाल वा ढोकला बनाएंगे तो ढोकला भी पानी को सोखेगा तो दाल हमारी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए पानी जितना डालते हैं उससे ज़्यादा ही डालिए। जैसे अगर आप एक गिलास पानी डालते हैं तो आप डेढ़ गिलास डालिए, इस हिसाब से पानी होता है। तो ये दाल हमने लगा के रख दिया है। इधर मटर मेरा छिला हुआ है, इसमें मटर पड़ेगा भरने के लिए। और ये देखिए ये आलू मेरी मैश करके मैं तैयार करके रखी हूँ, बॉयल करके मैश कर दी हूँ छील के। अभी इसमें और क्या क्या पड़ेगा ये मैं बनाते समय पूरा शेयर करूँगी। इधर मेरी तैयारी हो गई है और हम आटा गूंद के ढक के रेस्ट पे रख दिए हैं। तो बस बनाते समय इसे एक बार फिर से मैश कर लेंगे। तो आटा देखिए हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है ना बहुत, तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसे रोटी का आटा हम बनाते हैं बस उसी तरह से बनेगा। और अभी चाय बन रही है, बस ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए चाय पी के और शुरू कर देंगे बनाना। तो अब दाल लगा देंगे। तो दोस्तों यह बहुत ही इजी होता है, एक साथ बन जाता है और खाने में तो स्वाद का क्या कहना, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इधर पैन चढ़ा के मटर मेरी कच्ची है अभी, तो इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो बस जीरा डाल के और मटर डाल दूंगी और उसके बाद हल्का सा नमक डाल के इसे ढक दूंगी। आजकल हरी मटर आ रही है तो बहुत ही सॉफ्ट है, बस दो मिनट में अपने आप ही ये भुन जाएगी और फिर इसका स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है आलू में डालने से। दाल मेरी पक गई है, इसे बंद कर देंगे और फिर स्टव तैयार करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, जिससे कि आपके अभी दाल ढोकला उतना ही स्वादिष्ट बने जैसे कि मेरा बनता है। सिर्फ इस समय तो खूब हरी धनिया आ रही है, तो हरी धनिया, हरी मिर्च और अदरक बस यही थोड़ा सा पीस के डाल देती हूँ। पूरी तरह से नहीं पीसती हूँ, बस मिक्सर जार में थोड़ा सा एक बार चला देती हूँ जिससे बहुत बारीक टुकड़े हो जाते हैं इसके, तो मिर्च मुंह में नहीं आता है। और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिए कि बच्चे आपके घर में कितना खाते हैं उसी हिसाब से मिर्च आप डालिए। मसाले में बस यही चीज और नमक डाल दूंगी, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसमें डाल दीजिए खट्टा के लिए, नहीं तो नींबू ही गाड़ दीजिए जिससे कि थोड़ा सा खट्टापन आ जाए।
आलू मैं मैश करके तैयार कर ली हूँ। इसमें देखिए पनीर है, पनीर में डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वाद वैसा ही आएगा, थोड़ा सा पनीर डालने से स्वाद बढ़ जाता है। आप पनीर को पीसेस में भी काट सकते हैं, काट काट के डाल सकते हैं छोटे छोटे, या तो ऐसे ही ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो मैं तो ग्रेट करके डाल रही हूँ। अब इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी आलू में, जिससे कि अच्छे से मैश हो जाए हाथ से। और इधर दाल फ्राई करने के लिए, दाल मेरा उबल चुका था तो उसको फ्राई करने के लिए यहाँ प्याज टमाटर सब कट करके मैं रख ली हूँ और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तो यहाँ देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा हींग। हींग का स्वाद दाल में बहुत ही बढ़िया आता है। इधर अदरक लहसुन मिर्च सब कट करके मैंने रख लिया है और इसे तड़के में मैं डालूंगी। देखिए यहाँ पे लहसुन अदरक मिर्चा डाल के हल्का सा भून लेंगे। जब हल्का गुलाबी होने लगेगा तो फिर इसी पे हमने प्याज डाल दिया, तो यहाँ प्याज भी मेरा भून रहा है। थोड़ा सा प्याज जब गुलाबी होने लगेगा तब फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो दोस्तों एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा, ठंड में तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है और झटपट बन जाता है, तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्च भी मैंने डाला था, जिससे कि कलर बहुत बढ़िया आ जाता है दाल का। और फिर टमाटर डाल दिया, बस टमाटर को थोड़ी देर तक हम पकने देंगे और इसी पे थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया, जिससे कि अच्छे से टमाटर हमारा पक जाए। ये देखिए अब टमाटर पक गया है, तो इसमें हम पाव भाजी मसाला, तो बस एक चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला डाला है। अब ये है कि आप कितना बना रहे हो उस अकॉर्डिंग थोड़ा मसाला ज्यादा भी कर सकते हो। यहां मैं चार लोगों के लिए बना रही हूँ दाल ढोकला। तो देखिए इसी स्टेज पे बस तैयार हो गया था टमाटर पक्के, तो हमने दाल डाल दिया। और अब दाल अगर गाढ़ी लगे आपको तो इसमें पानी थोड़ा और बढ़ा दीजिए। और इधर मैं आटा को मैश कर ले रही हूँ, फिर से पहले रेस्ट पे रखी थी तो बस बनाते समय थोड़ा सा मैश कर लेंगे तो और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और अब फटाफट मैं छोटी छोटी लोई काट के देखिए ढोकला तैयार करूंगी, तब तक दाल में एक उबाल आ जाएगा। तो लोइयों को अच्छे से करके इसे देखिए स्टव को एक चम्मच डेढ़ चम्मच जो भी आए उसमें अच्छे से भर दीजिए, भर के बस इसे पैक कर दीजिए, जिससे कि मोमोज की तरह आप डिजाइन इसका अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कुछ भी डिजाइन इसमें दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पे
मेरा बन के तैयार हो गया। जो ऊपर आ जाता है आटा ज़्यादा, तो उसे हम थोड़ा सा आटा इसे निकाल लेते हैं। अगर ज़्यादा हुआ तो निकाल लेंगे, नहीं हुआ तो उसको बस ऐसे ही शेप में दे देंगे, फटाफट इसे तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसे बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो दाल में उबाल आ गया है हमारे, और देखिए दाल उबलने लगी है। बस इसी स्टेज पे हम ढोकला को इसमें डाल देंगे। तो देखिए पूरा बन के मेरा तैयार हो गया है। आप इसमें अलग अलग शेप देके भी बना सकते हो, ऐसे गोला भी बना सकते हो। देखिए एक दो में मैं थोड़ा सा अलग शेप दे दी हूँ, और इस बस दाल में डालते जाइए। दाल में डिप हो जाना चाहिए। तो बस चारों तरफ से इसे जगह बना बना के डाल दीजिए आप। जो भी किनारे रहे उन्हें बीच में करके पूरा, देखिए अब मेरा पूरा ढोकला इसमें पड़ गया दाल में। और देखिए अभी एक दो और अब इसे हम ढक देंगे। बस 5 मिनट के लिए आप ढक दीजिए। 5 मिनट में ये ढोकला पक्के तैयार हो जाएगा। और बस इसे धीरे से चला दीजिए। जब एक बार करछी से आप चला देंगे तो पूरा जब पक जाएगा तो ये ऊपर ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए सब तैरने लगते हैं, जब ढोकला पक जाता है तो ये तैरने लगता है। बस उस स्टेज पे आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ढोकला पक गया है, तो अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। लग रहा है ना स्वादिष्ट? और देखने में जितना स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। तो दोस्तों इसे जरूर एक बार बना के आप ट्राई करिए। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए मैंने इधर मूली काट के और चटनी के साथ ढोकले को सर्व कर दिया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।